बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टे होम, स्टे सेफ। चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉर्क। तो सबसे पहले हम टॉर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है हमारे पास। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन आ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, यानी किसी भी बॉडी के अंदर जो रोटेशन का फैक्टर प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो टॉर्क है हमारे पास क्या है, एल एफ। ठीक है, एल इसमें हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जबकि एफ जो है वो मैग्नीट्यूड है अप्लाइड फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले कुछ जो है एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। अब बॉटल जो है हम उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, एक खास जो है वो पॉइंट के गिर जो है वो हम क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आती है टॉर्क की। गाड़ी का स्टीयरिंग है, ठीक है, उसे भी हम क्या करते हैं, एक खास जो है पॉइंट के गिर जो है उसे वो रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, टॉर्क की एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा जब हमने पहली क्लासेस में जो है वो डिस्कस किया हुआ स्पिनर को, ठीक है, हम क्या करते हैं, नट खोलने के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टॉर्क जो है वो हमारे पास कितनी चीजों पे डिपेंड करता है। टॉर्क जो है वो हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द फोर्स कॉल्ड मोमेंट आर्म। और उस डिस्टेंस पे जो क्या है उसका, उस जो है एक्सिस से, यानी कि उस खास पॉइंट से है जिसे हम पिवट भी कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं। उस डिस्टेंस पे भी जो क्या है टॉर्क आपका बेस करता है। ठीक है, जितना जो है डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, ठीक है, आपका एक्सिस के साथ, उतना जो है वो रोटेशन क्या है ज्यादा होगी, आपको क्या है फोर्स लगाना भी, आपकी फोर्स भी कम लगेगी। तो जितना आप जो है मोमेंट आर्म आपका कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा, आपको फोर्स भी जो है वो उतनी अप्लाई करनी पड़ेगी उधर। ठीक है, यूनिट हमारे पास टॉर्क के क्या है, लेंथ है हमारे पास, यानी कि डिस्टेंस को शो करती है वो मीटर में हम लेते हैं, और फोर्स का जो है यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास टॉर्क के ये यूनिट बनते हैं, वो क्या बनते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है, एग्जाम्पल हमने अभी काफी सारी जो है वो डिस्कस कर ली है। यहाँ पे एक जो है मेंशन की हुई है, टाइटनेस ऑफ अ नट विद स्पिनर। ओके, नाउ वी डिस्कस टॉर्क इन अ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हम के एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट पॉइंट पी, के फोर्स एफ जो है वो एक्ट कर रही है पॉइंट पी पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया था स्पिनर की एग्जाम्पल, उसमें क्या था कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर थी, ठीक है, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ठीक है, आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू पिवट ओ, पिवट ओ यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड आर, और एफ और आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है। अब ये हमें बात पता है कि फोर्स एफ और पोजीशन वेक्टर आर जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, वेक्टर हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स को हमने एक बार डिस्कस की हुई है कि हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो केसेस जो है वो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट केस में जो है वो हम यहाँ पे इस स्लाइड में जो है वो डिस्कस करेंगे कि फोर्स एफ को हम टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि पोजीशन वेक्टर आर को जो है हम टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, हमने फोर्स एफ को जो है रिजोल्व किया टू कंपोनेंट्स में, एक एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग आपको पता है हमेशा हमारे पास जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू आती है, और वाई एक्सिस के अलोंग साइन थीटा की। ठीक है, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एफ साइन थीटा जो है वो हमारे पास क्या आया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, और इसी तरह एफ कॉस थीटा जो आया है वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर, वो क्या है, आर की डायरेक्शन में ही है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो एफ कोस थीटा है वो क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। अब वो जीरो के इक्वल क्यों आएगा कि इसमें लाइन ऑफ एक्शन जो है एफ कोस थीटा वो पासिस थ्रू है पॉइंट ओ में से। ठीक है, तो इस वजह से एफ कोस थीटा जो है वो हमें जीरो दे देगा। तो टॉर्क जो है हमने डिस्कस किया था वो क्या होता है, एल एफ। ठीक है, तो एल जो है हमारे पास डिस्टेंस को शो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास जो पी और ओ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसको हमने पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आर, और क्या आ गया, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अगर अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो एन जो है वो इसमें क्या शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टॉर्क आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो भी होगी।
जैसे कि हमने पहले जो है वो डायरेक्शंस को डिस्कस किया हुआ है कि कैसे जो है वो हम डायरेक्शंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क जो है वो हमारे पास क्या आ गया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ओके, नाउ वी डिस्कस आवर सेकंड मेथड, जो कि हमने डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड में, कि हमने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर आर को टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। जैसे कि आपको फिगर में भी नजर आ रहा है, ठीक है, कि हमने इसको टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, आर एक्स और आर वाई, ठीक है। आर वाई जो है वो हमारे पास आर साइन थीटा की वैल्यू दे रहा है, जबकि आर एक्स जो है वो हमारे पास आर कॉस थीटा की वैल्यू देगा, ठीक है। तो आर साइन थीटा जो है वो क्या आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू फोर्स एफ जो है उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह आर कॉस थीटा जो है वो कंपोनेंट ऑफ आर वैक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एफ, ठीक है। तो आर कॉस थीटा जो है वो हमें क्या देगा, जीरो वैल्यू देगा, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पर भी डिस्कस किया, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ जो है वो हमारे पास क्या आएगा, एल एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास L जो है वो क्या है, R साइन थीटा के इक्वल है और फोर्स F जो है वो ऐसी आई, तो टॉर्क जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से हम इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टॉर्क हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी, तो n कैप जो है यहाँ पे उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो टॉर्क क्या आ गया हमारे पास, R वेक्टर फिर क्रॉस F वेक्टर, ठीक है। नीचे हमने डायरेक्शन भी बताई हुई है कि n वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ओके, नाउ एट द एंड हेयर इज सम की पॉइंट्स। बेसिकली ये हमारे पास टॉर्क और फोर्स के दरमियान एक कंपैरिजन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, टॉर्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। टॉर्क भी हमारे पास क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, जबकि एंगुलर मोशन क्या है, एक खास पॉइंट के गिर जो बॉडी की मोशन होती है। थर्ड हमारे पास क्या है, टॉर्क डिटरमिन्स एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर टॉर्क जो है वो एंगुलर मोशन में इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है, तो उससे हम क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन डिटरमिन कर सकते हैं। और इसी तरह फोर्स से जो है वो हम लीनियर एक्सेलरेशन डिटरमिन कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन पॉजिटिव, यानी कि अगर किसी भी बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो क्या है, उसमें टॉर्क हमारे पास पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज इफेक्ट है तो वो क्या होगा, नेगेटिव टॉर्क होगा। ओके, नाउ एट द एंड हेयर इज अ टास्क फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल 2.6। ये जो आज हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं उन्हीं के बेस पे हैं, आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।